और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां पर करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र कालबी का निधन हो गया है। लंबे समय से लोकेंद्र बीमार चल रहे थे और कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ है। बता दें कि SMS अस्पताल में कालबी ने अंतिम सांस ली है। करणी सेना के संस्थापक थे लोकेंद्र कालबी। इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां पर करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र कालबी का निधन हो गया है। लंबे समय से लोकेंद्र कालबी बीमार चल रहे थे, कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया है और SMS अस्पताल में कालबी ने अंतिम सांस ली है। इस बीच सबसे बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां पर करणी सेना के संस्थापक का निधन हो गया है। बता दें कि लंबे समय से लोकेंद्र सिंह कालबी बीमार चल रहे थे और डॉक्टरों के अनुसार कालबी काफी समय से बीमार थे। जून 2022 में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें यहां पर भर्ती करवाया गया था और उस बीच कल रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट पड़ गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका है। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार लोकेंद्र सिंह कालबी का अंतिम संस्कार मंगलवार को नागौर जिले के उनके पैतृक गाँव कालबी में किया जाएगा। बता दें कि कालबी के निधन की जानकारी मिलने से राजपूत समाज में शोक की लहर है। बड़ी तादाद में लोग उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं और कालबी के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और उनके पैतृक गांव भी पहुंच रहे हैं। बता दें कि राजपूत समाज में शोक की लहर फैल गई है। बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां पर करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालबी का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे,